मुंबई की डोंगरी में कल गिरी इमारत में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है, जबकि एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से 21 लोगों को निकाला है। करीब 19 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने लोगों को मलबे से बाहर निकाला है, जिसमें एक महिला और दो बच्चे शामिल हैं। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। घायलों को नजदीक के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केसरबाई नाम की ये इमारत करीब 100 साल पुरानी थी और इसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी थी। बताया गया कि इस बिल्डिंग में करीब 10 से 12 परिवार रहते थे। सुबह 4 बजे तक 11 शव निकाले जा चुके थे। अभी तक का जो अपडेट है तो 22 लोगों को ये क्लियर कर दिया गया है और 22 में से 9 लाइव है और और अभी हमारा काम चलता रहेगा जब तक लास्ट रिसीव होगा तब तक हमारा काम। दिवाकर हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। दिवाकर, ताजा स्थिति क्या है, कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं? देखिए जसप्रीत, ताज़ा स्थिति यह है कि एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और जो जानकारी हमको मिल पा रही है उसके मुताबिक 3 से 4 लोगों के और भी मलबे के नीचे दबे होने की संभावना है। परेशानी क्यों आ रही है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। यही जो गली है आप देखिए जहाँ से ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल रही है, ये गली इतनी सकरी है कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलने में इतना वक्त लग रहा है। करीब आधे घंटे से ये गाड़ी निकालने की कोशिश बाहर हो रही है, लेकिन ये जो गाड़ी है वो देखिए इतनी गली सकरी है, ऊपर से पार्किंग है गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की, उसके चलते देखिए पीछे जो है गाड़ी जो है काफ़ी धीमे धीमे निकल रही है। और यही मुश्किल आई कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, कोई भी जेसीबी या किसी प्रकार का जो मशीन है वो स्पॉट तक नहीं पहुंच पाया और इसके चलते जो है 21 घंटे से लगभग वक्त हो चुका है वो जो है, और इसके बाद भी अभी भी 21 लोगों को निकाला गया है, 14 लोगों की मौत बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह की मुश्किल आ रही थी इसीलिए अधिकारियों का भी यही कहना था कि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, बेहद सकरी गली है, पूरी कंजेस्ट जो बिल्डिंग गिरी है वो कंजेस्टेड एरिया में है जहाँ पे सिर्फ एक आदमी आसानी से पैदल जा सकता है। तो इस तरह की जो मुश्किल आ रही है उसके बावजूद पूरी रात करीब रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, मैनुअली हैंडल हर्ज की करना पड़ रहा है, जो लोहे की छड़ है या उसको काट कर निकालने के लिए उसको हाथ से उठाना पड़ रहा है, बड़े बड़े ईंट के पत्थर वगैरह हैं उनको हाथ से ले आके बाहर निकालना पड़ रहा है। तो ऐसे में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है एनडीआरएफ को और फायर ब्रिगेड के लोगों को। लेकिन फिलहाल ताज़ा स्थिति यही है कि 3 से 4 लोगों की और दबे होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 से 4 लोग मिसिंग हैं। तो इसी को देखते हुए मलबा हटाया जा रहा है और मलबे हटाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो जिंदगी की तलाश अब भी जारी है। और दिवाकर, सवाल ये खड़ा होता है कि ये किसके अधिकार क्षेत्र के तहत आती है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 से कहा कि ये महाडा के अंतर्गत आती है, लेकिन महाडा के स्पोक्स पर्सन ने पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में ये जाँच का विषय है? बिल्कुल जसप्रीत, ये कोई नई बात नहीं है, जब कोई घटना होती है तो या तो बीएमसी साइड हो जाती है, किनारा कर लेती है, या फिर महाडा की बिल्डिंग होती है किनारा कर लेती है। लेकिन जो बीएमसी ने नोटिस दिया था, जो न्यूज 18 के पास जिसकी कॉपी है उसमें साफ तौर पर ये मेंशन है कि ये बिल्डिंग महाडा की है, क्योंकि नियम के मुताबिक जो है हेरिटेज बिल्डिंगें जो होती हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, वो जो है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी जो है वो जो है महाडा की होती है। हालांकि बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं यशवंत जाधव, उनका कहना था कि ये बिल्डिंग एक ट्रस्ट की है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि महाडा उन्हीं के अंतर्गत आता है, और अगर मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि महाडा की बिल्डिंग है, तो फिर जाहिर है ये साफ तौर पर है कि महाडा की बिल्डिंग है। महाडा भले ही कुछ बोले, मुख्यमंत्री के अंडर महाडा भी आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये महाडा की बिल्डिंग है। लापरवाही क्यों हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद बोला कि रिडेवलपमेंट में गया था, क्योंकि विकासक ने ये काम नहीं किया ढंग से, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से मुंबई में बारिश के दौरान हादसे हो रहे हैं, अधिकार क्षेत्र किसी का भी हो, लेकिन मर कौन रहा है, मुंबई कर मर रहे हैं। दिवाकर, तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। दिवाकर, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और ये बताइए कि जिन 14 लोगों की मौत हुई है, क्या उनकी पहचान हो पाई है? देखिए, अभी 14 लोगों की जो मौत हुई है उसमें ज़्यादातर लोगों की पहचान हो गई है। मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूँगा, गली में कितनी भीड़ है आप देखिए, यहाँ पर यही भीड़ है। मीडिया को दूर रखा गया है, कल मीडिया के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी, इसलिए अंदर जाने की मनाही है, इसलिए हमको बाहर रखा गया है। लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यही जो गली है ये सीधा जो है स्पॉट पर जाती है, और स्पॉट पर जाने के लिए बहुत सकरी गली है, इसलिए आप देखिए गली में आप भीड़ जो समझ सकती है किस तरह की स्थिति है। एक जेसीबी निकल रही होगी, आपको देखिए वहाँ पे जेसीबी किस तरह से वहाँ फंसी हुई है, इसी तरह की स्थिति है। और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो काफ़ी मुश्किलें आ रही थी, और यही स्थिति यहाँ
कल जब दुर्घटना हुई थी 11 बजे के आसपास उस वक्त से बनी हुई है, और जो रेस्क्यू करने वाले अधिकारी एनडीआरएफ के लोग हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो 14 लोगों की मौत हुई है उसमें ज़्यादातर लोगों की पहचान हो गई है, और दूसरा स्थानीय लोगों की जो जानकारी मिल रही है एनडीआरएफ या फायर ब्रिगेड को, वो जो है उसके मुताबिक 3 से 4 लोग मिसिंग हैं, यानी पहचान हो गई है और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। बिल्कुल दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में एक और मौत की इमारत ढह गई। डोंगरी इलाके में सुबह करीब 11:30 बजे अचानक एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। बताया गया कि ये इमारत करीब 100 साल पुरानी थी, जो मुंबई में हुई बारिश के बाद और भी कमजोर हो गई। अचानक हुए हादसे ने पूरे डोंगरी को झकझोर कर रख दिया। आसपास के तमाम लोग मौके पर जुट गए। जिस गली में इमारत गिरी वो इतनी संकरी है कि किसी कार के लिए निकलना आसान नहीं है। ऐसे रास्ते पर बचाव टीम का पहुंचना भी मुश्किल लगने लगा। डोंगरी इलाके में इमारत गिरी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके जो गलियां हैं वो काफी संकरी हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को पहुँचने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। थोड़ी ही देर में आसपास रहने वाले सैकड़ों लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मलबे को पहुंचाना शुरू कर दिया। जल्द ही मलबे में दबे लोगों को भी जाने लगा। एक बच्चा मलबे के बीच से सुरक्षित निकालने में कामयाबी मिली। कुछ लोगों को जख्मी हालत में मलबे के नीचे से बाहर निकाला गया। लेकिन 4 मंजिला इमारत के मलबे को हटाकर जिंदगी की तलाश आसान नहीं, इसलिए एनडीआरएफ की टीम को फौरन बुला लिया गया। लेकिन मुंबई के ट्रैफिक के बीच से वक्त पर पहुंचना मुश्किल था, इसलिए एनडीआरएफ की टीम के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि बिना जाम का सामना किए टीम वक्त पर पहुंच सके। लेकिन एनडीआरएफ के अधिकारियों को भी जल्द ही एहसास हो गया कि मलबा हटाने के लिए न कोई गाड़ी पहुंच सकती है न ही मशीनें। रास्ता बहुत ही सकड़ा है, इसलिए हमको सारा काम करना पड़ा, मैन्युअली करना पड़ा। लेकिन आसपास के लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलता रहा। ह्यूमन चेन के जरिए तेजी से मलबा बाहर निकाला जाता रहा। थोड़ी ही देर में गली के बाहर मलबे का बड़ा ढेर लग गया। आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया। थोड़ी ही देर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। मैं खड़ा हूं जेजे अस्पताल में, जहां पर लगातार घायल पहुंच रहे हैं। अब तक 1 दर्जन के आसपास घायल यहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अपनों को खोने वाले परिवारों के बीच मातम शुरू हो गया। किसी ने घर के बच्चे को खोया था तो किसी ने घर में कमाने वाले सदस्य को खोया था। लेकिन मुंबई में गिरी इस इमारत के लिए कसूरवार कौन है, इस पर नई जंग छिड़ गई। बीएमसी और माडा दोनों ही इमारत को अपना मानने को तैयार नहीं है। जबकि हादसे के फौरन बाद मुख्यमंत्री ने भी इसे माडा की इमारत कहने में देर नहीं लगाई। वहां के बिल्डिंग के रहवासियों ने माडा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहां पर एक विकासक को, डेवलपर को अपॉइंट भी किया था। डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीजें अब जांच में सामने आएगी। दूसरी तरफ बीएमसी के अधिकारियों ने भी इसे माडा की इमारत बता दिया। सामने बीएमसी की एक पुरानी चिट्ठी भी आ गई। हादसे का शिकार हुई केसरबाई इमारत में दूसरी मंजिल पर रहने वाले एक शख्स ने बिल्डिंग की खराब हालत की शिकायत बीएमसी को की थी। इसी से जुड़ी एक चिट्ठी में बीएमसी ने साफ लिखा था कि केसरबाई बिल्डिंग माडा की बिल्डिंग है, लेकिन माडा भी इसे अपनी बिल्डिंग मानने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में माडा की पीआरओ वैशाली ने ये तो नहीं बताया कि बिल्डिंग किसकी है, लेकिन ये जरूर बताया कि बिल्डिंग माडा की नहीं है। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बताया जा रहा है ये माडा की बिल्डिंग है, तो मैं पहले खुलासा कर देना चाहती हूँ कि ये बिल्डिंग माडा की नहीं है, माडा के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। लेकिन इमारत हादसे का शिकार हो चुकी है, इसलिए सियासत भी शुरू हो गई। क्योंकि हादसा डोंगरी में हुआ, जहां एक नहीं सैकड़ों इमारतों की हालत खस्ता है, किसी भी दिन कोई दूसरी इमारत लोगों की मौत की वजह बन सकती है। और सरकारी एजेंसियां भी इस बात को अच्छी तरह जानती हैं। डोंगरी में गिरी इमारत के पास रहने वाले लोग भी इस हादसे के बाद खौफजदा हैं। साउथ मुंबई का सर्वे कर लो, आपको मोस्टली बिल्डिंगें ऐसी मिलेगी, आपको पुरानी बिल्डिंगें खस्ता हालत में मिलेगी। ऐसा तो नहीं लगा था कि गिर जाएगी, इतनी भी डेंजर दिख नहीं रही थी, लेकिन पुरानी बिल्डिंग थी। आसपास की कुछ इमारतों को तो खाली भी कराया जा चुका है। आसपास जो इमारतें वो भी काफी ज्यादा जर्जर हालात में देख सकते हैं। ये भी 5 माले की इमारत है, पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। हालांकि इस इमारत को खाली करा दिया गया है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि इमारत कभी भी किसी समय भी गिर सकती है। लेकिन ये बात अब साफ है कि एक भी खतरनाक इमारत को छोड़ने की कीमत कुछ बेकसूरों की मौत हो सकती है। विपक्ष सीधा मुख्यमंत्री से पूछ रहा है कि सब कुछ पता होने के बाद भी हादसा क्यों हुआ। मुख्यमंत्री के अंडर में सारा डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री को बार बार सचेता गया है। सारे मुंबई के MLAs ने बार बार कहा कि 19,000 बिल्डिंगें मौत का कुआं साउथ बॉम्बे में बन चुकी हैं। हादसे के बाद से ही लोगों में गुस्सा है।
और इस गुस्से की झलक तब दिखी जब बीएमसी के कमिश्नर राहत और बचाव का काम देखने के लिए पहुंचे। मीडिया ने बीएमसी कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, लेकिन हादसे के जिम्मेदार लोगों से जुड़े सवाल शुरू होते ही बीएमसी कमिश्नर ने दूसरी ओर चलना शुरू कर दिया। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी को सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने घेरे रखा, लेकिन मीडिया के बीच कुछ आम लोग भी आ गए जो बीएमसी कमिश्नर से सवाल करने लगे। कमिश्नर को तो पुलिस वालों ने भीड़ से निकालकर गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन लोगों ने उनकी कार को घेर लिया। एक आदमी तो उनकी कार के आगे ही खड़ा हो गया। हादसे के बाद भड़का लोगों का गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। लोग इसलिए भी गुस्से में दिखे क्योंकि बिल्डिंग का मलबा निकालने की रफ्तार बेहद सुस्त है। अफसरों का कहना है कि न तो दबे हुए लोगों का कोई आंकड़ा बताया जा सकता है और न ही ये बताया जा सकता है कि ऑपरेशन कब तक पूरा होगा। थोड़ा सा स्लो हो रहा है ऑपरेशन, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है, उसमें हम जल्दी इसको सक्सेसफुली कर लेंगे। मैं आपको कुछ टाइम दे दूं और उसमें कंप्लीट ना हो, क्योंकि मैन्युअली काम ज्यादा हो रहा है। मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती घायलों की गिनती बढ़ने लगी, जिनसे मिलने के लिए नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया। लेकिन मुंबई में